हेलो फ्रेंड्स, लॉजिक गेट्स का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स लॉजिक गेट को यूज़ करके ही बने हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये लॉजिक गेट्स होते क्या हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, इनके सिंबल्स, ट्रूथ टेबल और कौन सी आईसी लॉजिक गेट के लिए यूज़ होती है, ये सब हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। एनिमेशन के थ्रू आपको इसका वर्किंग भी समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। सरल भाषा में हम कहें तो दो या दो से ज़्यादा इनपुट को प्रोसेस करके यह हमें सिंगल आउटपुट देता है। हम इसे डिजिटल स्विच भी कहते हैं। फ्रेंड्स, पहले टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स हम देखते हैं। लॉजिक गेट 7 टाइप्स के होते हैं। 3 कैटेगरीज़ में ये कॉन्फ़िगर किए गए हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, स्पेशल लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट में नॉट गेट, और गेट, एंड गेट आते हैं। यूनिवर्सल गेट में नैंड और नॉर गेट आते हैं। स्पेशल गेट में एक्स और एक्स नॉर गेट आते हैं। स्पेशल गेट्स एरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि एडर, हाफ एडर, फुल एडर। यूनिवर्सल गेट से हम कोई भी गेट बना सकते हैं, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब हम वन बाय वन सभी गेट्स के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम नॉट गेट की। नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट हमें मिलता है, बट जो आउटपुट मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इनपुट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनपुट में लो सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तब आपको आउटपुट हाई मिलेगा, और जब आप इनपुट में हाई सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तब आपको आउटपुट लो या ज़ीरो मिलेगा। इसका सिंबल और ट्रुथ टेबल भी हमने यहाँ पे शो किया है। अब हम एनिमेशन के थ्रू नॉट गेट का ऑपरेशन समझेंगे। उसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक पाइप का अरेंजमेंट किया है। पाइप के राइट हैंड साइड में आपको आउटपुट मिलने वाला है। इस पाइप में वॉल भी लगा हुआ है। वॉल के पोजीशन से हम इनपुट्स डिफाइन करने वाले हैं। जब वॉल्व ऑन है इसका मतलब आप हाई सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, और जब वॉल्व ऑफ है इसका मतलब आप लो सिग्नल अप्लाई करने वाले हैं। तब आप देखेंगे यहाँ जब वॉल्व ऑफ है तब आपको आउटपुट हाई मिल रहा है, मींस आप ज़ीरो सिग्नल दे रहे हैं तो आपको आउटपुट वन मिल रहा है। लेकिन जब हम वॉल्व को ओपन करते हैं या ऑन करते हैं तब हमें आउटपुट नहीं मिलता है। इसका मतलब हम जब वन सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तब हमें आउटपुट ज़ीरो मिल रहा है। तो इस तरीके से ये नॉट गेट फंक्शन करता है। नॉट गेट की आईसी का नंबर होता है 7404। इस आईसी में आपको 6 नॉट गेट मिलेंगे। अब हम और गेट के बारे में जानेंगे। और गेट में दो इनपुट होते हैं और सिंगल आउटपुट होते हैं। और गेट का सिंबल और उसका ट्रुथ टेबल भी यहाँ हमने शो किया है। और गेट के केस में कोई भी एक इनपुट अगर हाई मिल रहा है तो उसका आउटपुट भी आपको हाई मिलेगा। अगर दोनों ही इनपुट ज़ीरो हो गए हैं तभी आपको आउटपुट ज़ीरो मिलेगा। इसको हमने एनिमेशन के थ्रू भी यहाँ समझाया है। यहाँ भी आप देखेंगे हमने वॉल यूज़ किया है, पाइप यूज़ किया है। जब दोनों ही वॉल्व ऑफ है तब आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर इन दोनों वॉल में से कोई भी एक वॉल अगर ऑन हो जाए तो आपको आउटपुट मिलने लगेगा। और गेट इसी तरीके से फंक्शन करता है। जो हमने 4 कॉम्बिनेशन होते हैं और गेट के इनपुट्स के, उसके लिए एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट किया है और आप उसके थ्रू और गेट का फंक्शन वेरीफाई कर सकते हैं। और गेट के लिए जो आईसी यूज़ होती है वो है 7432। इस आईसी में आपको 4 और गेट मिलेंगे। फ्रेंड्स, अब एंड गेट के बारे में आपको बताते हैं। एंड गेट के केस में भी दो इनपुट और सिंगल आउटपुट होते हैं। वैसे मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकते हैं, बट हमने जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे लिए सभी में हमने दो ही इनपुट्स को कंसिडर किया हुआ है। एंड गेट के केस में
अगर दोनों इनपुट हाई है तभी आपको आउटपुट हाई मिलेगा। कोई भी एक इनपुट अगर ज़ीरो हो गया है तो आउटपुट भी आपको यहाँ पे ज़ीरो मिलेगा। एंड गेट का सिंबल और उसका ट्रूथ टेबल भी यहाँ पे दिया हुआ है। यह एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन फंक्शन की तरह ही वर्क करते हैं। ज़ीरो से अगर आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आउटपुट आपको ज़ीरो ही मिलेगा। इसको हमने एनिमेशन के थ्रू भी समझाया है। यहाँ जब वॉल्व क्लोज है तो आउटपुट नहीं मिलेगा। कोई भी एक वॉल्व अगर क्लोज है या ऑफ है तो आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला है। आउटपुट तभी मिलेगा जब दोनों ही वॉल्व ओपन हो या ऑन हो। तो एंड गेट भी इसी तरीके से फंक्शन करता है। दोनों इनपुट्स हाई होना ज़रूरी है तभी आपको आउटपुट में हाई या वन सिग्नल मिलेगा। एंड गेट की आईसी का नंबर है 7408। इस आईसी में भी आपको 4 एंड गेट मिलेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको नॉर गेट के बारे में बताते हैं। नॉर गेट के केस में भी यहाँ हमने दो इनपुट लिए हैं और सिंगल आउटपुट दिखाया है। नॉर गेट का जो सिंबल है उसमें आप देखोगे एक बबल डिनोट किया हुआ है। यह बबल जो है इसका इन्वर्शन ऑपरेशन दिखा रहा है। नॉर गेट यह और गेट का जस्ट उल्टा फंक्शन करता है। और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन करके आप नॉर गेट भी बना सकते हैं, जो हमने यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सर्किट के थ्रू डिनोट किया हुआ है। कंपैरिजन टेबल में भी आप देखोगे इनपुट वन इनपुट टू जो दिया है, और गेट का जो भी आउटपुट आ रहा है जस्ट उसका उल्टा आउटपुट नॉर गेट के थ्रू हमें मिलता है। नॉर गेट की जो आईसी है वह 7402 होती है। इस आईसी में भी आपको 4 नॉर गेट मिलते हैं। यूनिवर्सल लॉजिक गेट की कैटेगरी में नैंड गेट भी आते हैं। नैंड गेट एंड गेट का जस्ट उल्टा ऑपरेशन करता है। इसमें भी हमने दो इनपुट्स दिखाए हुए हैं और उसका जो सिंबल है नैंड गेट का जो सिंबल है उस सिंबल में भी आप देखोगे यहाँ पे बबल दिख रहे हैं। इसका मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन शो कर रहे हैं। एंड गेट नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से आप नैंड गेट बना सकते हैं। ट्रूथ टेबल भी हमने यहाँ पे दिया है, ट्रूथ टेबल में आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक्सटेंडेड जो ट्रूथ टेबल है उसमें आप देखोगे जो दो इनपुट्स हैं उसका एंडिंग ऑपरेशन जो आ रहा है उसका जो आउटपुट है जस्ट उसका उल्टा आउटपुट हमें नैंड गेट के थ्रू मिलता है। नैंड गेट की जो आईसी है उसका नंबर है 7400। यह आईसी भी क्वाड पैकेज में मिलती है। इसका मतलब यह है कि इसमें आपको 4 नैंड गेट मिलने वाले हैं। एक्स और गेट को एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। एक्स और गेट एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। एक्स और गेट में जब सेम बीट होती है मीन्स सेम इनपुट बीट्स है तब आपको आउटपुट ज़ीरो मिलता है, और जब इनपुट बीट डिफरेंट होती है तब आपको आउटपुट हाई या वन मिलता है। एक्स और गेट आप और गेट नैंड गेट और एंड गेट को मिला के भी बना सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ हमने शो किया है। ट्रूथ टेबल से आप वेरीफाई कर सकते हैं जो बुलियन एक्सप्रेशन आ रहा है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। इसके आईसी का नंबर भी हमने यहाँ दिया है। इस आईसी में भी 4 XOR गेट्स अवेलेबल होते हैं। अब लास्ट में हम XNOR गेट की बात करेंगे। XNOR गेट भी एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। यह भी स्पेशल लॉजिक गेट की कैटेगरी में आते हैं। XOR गेट में जब सेम बीट होती है तब आपको आउटपुट 1 मिलता है, और जब जो इनपुट बीट्स है वो अगर डिफरेंट होती है तब आपको आउटपुट 0 या लो मिलता है। XNOR गेट जो है वो XOR गेट के आउटपुट में जब हम NOT गेट लगाते हैं तब XNOR गेट बन जाता है। उसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। ट्रूथ टेबल के थ्रू आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इस की जो IC है उसका नंबर भी दिया हुआ है। इस IC में भी 4 XNOR गेट्स अवेलेबल होते हैं। यह भी क्वाड पैकेज में मिलता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर ज़रूर करिए। हम ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।